हेलो एवरीवन, आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल तो आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 4 टेस्ट है, जो कि इलेक्ट्रिशियन का है, नेमी क्वेश्चन का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ करवा रहा हूँ, जो कि पूरे विधिवत तरीके से मैंने आपको एक क्लासेस करवा चुका हूँ। ये आपका क्या है, टेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। जितना आप टेस्ट लगाएंगे, आपका कितना स्क्वायर होता है, मैं आपको इसमें 25 क्वेश्चन कराएंगे। इसमें आपका कितना स्क्वायर होता है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। ये आपका किसका टेस्ट रहेगा, इलेक्ट्रिशियन का, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए टेस्ट रहेगा। ठीक है, प्रीवियस टेस्ट को अच्छे से लगाओ, विधिवत क्लासेस को अच्छे से लगा लें। मैंने आपको टोटल कंप्लीट कोर्स करवा चुका हूँ, आप उनको अच्छे से बार बार रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपका 101% CBT क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को करना ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो क्वेश्चन को दोस्तों हम सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, जो श्रेणी परिपथ होता है उसका क्या उपयोग, इसके बारे में पूछा। फ्यूज़ जो यहाँ पर दिया गया, परिपथ में फ्यूज़, ऑप्शन बी हमारा दिया गया वोल्ट मीटर संयोजन, ऑप्शन सी हमारा घरों में विद्युत लैंप, ऑप्शन डी हमारा है अमीटर में संट प्रतिरोधक। तो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, ये आपको करेक्ट बताना आंसर, मतलब श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है इसके बारे में बताना है। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट किया करें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्ज़ाम के पहले पहले कर लें। तो बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, परिपथ में फ्यूज़न इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया, 1 ओम से 100 ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिए। फर्स्ट हमारा दिया गया प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, या केल्विन ब्रिज के विधि के द्वारा, ऑप्शन सी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा दिया गया है कि वोल्ट मीटर और अमीटर विधि के द्वारा। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सभी को याद होगा, तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 1 ओम से लेकर 100 ओम तक के मापन के लिए इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आज का वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लेना, आपकी एग्जाम में बिल्कुल छप के आ जाएगा। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का जो SI यूनिट क्या है, यानी SI यांत्रक क्या है, इसके बारे में पूछा गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन इस तरीके से मिलेंगे एग्जाम में, तो आपको बताना होगा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी 36 नंबर का। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा, यानी कि ओम मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से याद करना क्या होगा, ओम मीटर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रवाहित करती है। तो कौन सी करती है, कि वोल्टेज या धारा का वर्ग या प्रतिरोध का वर्ग या उससे प्रवाहित धारा। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 4 ऑप्शन में से सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो जो भी साथी इसका अगर राइट आंसर करेंगे 39 का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, धारा का वर्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना हो जाए। तो क्या होगा, देख सकते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, दो गुना कम हो जाता है, या दो गुना अधिक हो जाता है, या 4 गुना कम हो जाता है। तो इसमें से राइट कौन सा, ये आपको बताना है। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी तो पहले कमेंट करें और वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दें, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप में, जिससे अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। बताएं इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यहाँ पर क्या हुआ, 2 गुना कम हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुना कम हो जाता है। अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
क्वेश्चन हमारा अगला हो चुका है, इसमें दिया गया है कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, तो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या समान रहेगा या अनंत हो जाएगा। तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा, घटेगा। इसका क्या होगा, घटेगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना। इसमें सूत्र पूछा गया है किसका, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना के लिए। दे सकते हैं आपके स्क्रीन पर, चार ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर कमेंट करना। तो सभी कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही होना चाहिए, सभी कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा हमारा 43 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा, धारा इनटू वोल्टेज इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि 200 वाट / 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करनी है। तो पहले तो आप सभी इसका कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। इसका मैं फार्मूला अगर आपको बता देता हूं कि गर्म प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है बराबर करके आप इसमें क्या करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन पावर, ठीक है, ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया। अब हमें कमेंट करके बताइए क्या राइट आंसर होगा, इसमें जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, आप इसमें फार्मूला में नाम रखते बताएं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, देखो V मतलब होता है वोल्टेज, वोल्टेज हमारा कितना दिया गया यहां पर 250 वोल्टेज, पावर कितनी दी गई 200 वाट दी गई। तो आपको करना है क्या है, वोल्टेज दिया गया 250, यहाँ जाए एक मिनट, फार्मूला नोट कर लेना, उसी के आधार पर आपको सवाल करना। तो यहाँ पर आपको V दिया गया, तो V दो बार है और बटे आपका पावर, ठीक है। अब आपको V को क्या करना, दो बार लिखना, ठीक है, यहाँ पर दो बार लिखिए और बटे में आपको 200 लिखना। अब यहाँ देखिए 200 से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, आप 25 का, आप 25 में जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर देखो मैं नीचे दो बचेगा, ठीक है, तो 25 का 25 आप गुणा करेंगे तो ये आपका जाएगा 625/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें डिवाइड भाग देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसको खुद भाग दीजिए, कितना आएगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में, ठीक, सभी कमेंट करेंगे जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं, काट पीट के क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। क्या पूछा गया, एक बार रिपीट करता हूँ, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान पूछा गया कितना होगा, कि शून्य होगा, कम होगा या अधिक होगा या फिर अनंत होगा, बताएं इसका राइट आंसर, सभी को याद होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारे 45 का डी इसका राइट आंसर, यानी खुला जो सर्किट होता है उसका जो प्रतिरोध होता है यानी रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें दिया गया ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होता है। जो ताम्र हो यानी जो कॉपर होता है उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान पूछा गया, तो आपके सामने चार ऑप्शन से दिए, आपको बताना होगा इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से गेस करके बताएं कौन सा राइट आंसर होगा, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे सभी कमेंट करेंगे बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी कितना होगा, 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका, क्वेश्चन पूछा गया परिपथ की कुल संधारित्र की गणना करनी है। तो देखिए कि सीरीज में लगे हुए, सीरीज में लगे हुए कैसे लगे हुए, सीरीज में लगे, तो इसका जो फार्मूला जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होना चाहिए, सभी बताएं सीरीज में क्या करेंगे हम, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। सीरीज में क्या होता है हमारा संधारित्र के लिए फार्मूला होता है 1/C = 1/C1+1/C2 और इसी प्रकार 1/C3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें केवल और केवल मान रखना है, क्या करना, मान रखना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, आपको बता देता हूँ आगे,
अब यहाँ पर करना क्या है कि 1/c का मान 30 हो जाए। यहाँ पर ये 30 दिया गया, ठीक है, पहला वाला 30 है प्लस दूसरा वाला दिया गया 1/10 दिया गया और तीसरा वाला दिया गया 1/30 दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 30 आएगा। 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 से 30 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 10 को 30 से डिवाइड करेंगे 10 3 तो कितना 30 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए 3 4 5 तो 5/ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारा चल रहा है 1/c में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आपसे नोट डाउन करते चलना, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब 1/c बराबर आ गया है 5/30 आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या, सी निकालना है, ठीक है। 1/c बराबर आ गया है 5/30 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका इधर कर दीजिए, यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यह 5c बराबर हो जाएगा आपका 30, ठीक है। अब सी बराबर जो आ जाएगा 30/5, 5 वर्ष के काट दीजिए, 5 × 5 = 30 हो जाएगा, यानी कितना आएगा, 6 μF इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा। अच्छा करता हूँ आप समझ चुके होंगे इस सवाल को, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको क्या जी, हाँ अगर आपको क्या देगा, श्रेणी में दिया गया, अगर सीरीज में मतलब समांतर में पूछ दिया जाए तो केवल आपको करना क्या है, C=C1+C2+C3, ये आपका क्या होता है, ये समानांतर के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छे से याद के रखना, बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत होना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि संधारिता की यूनिट क्या है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, तो इसका आप बताइए संधारिता की इकाई क्या होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं पहले तो सभी कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी से बताएं और वीडियो को शेयर कर दें अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, यानी क्या हो, संधारित की इकाई क्या है, फैराड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक संधारित्र का धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। आपसे क्या पूछा गया है, संधारित्र का मान पूछा गया, तो पहले तो आप सभी कमेंट करें, इसका मैं फार्मूला बता देता हूं जिसके ज़रिए आपको निकालना है। क्यू बराबर होता है CV, वी जो वोल्टेज था, सी संधारित और क्यू आवेश होता। अब आप इसमें से क्या निकालना आप समझ जाइए और इस फार्मूले से हमें इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको खुद ही सॉल्व करना है, इसमें मान रख के आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए देखिए फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा, सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q/V हो जाएगा। अब बस इसमें मान रखना, आपको इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कौन सा होगा, इतना जोड़ घटाना आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अगला आ गया आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है, जो संधारित रहता है यानी कैपेसिटेंस जो होता है उसके वैल्यू को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसके मान को पूछा गया है। फर्स्ट हमारा दिया प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, या फिर प्लेट के मध्य दूरी बढ़ाकर, या ऑप्शन डी दिया गया उच्च परावैद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। तो बताएं इसका राइट आंसर, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या हुआ पर प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ाकर हम संधारित्र के मान यानी वैल्यू को कम कर सकते हैं। अच्छे से याद कर लेना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। देखिए यहाँ पर विच द डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है ये पूछा गया, एयर है, स्टील है, वाटर या प्लेटेनियम, तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जितना हो सके शेयर करें, ये आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं। तो बताएं इसका राइट आंसर, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा, यानी क्या, जल यानी वाटर इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन में दिया है, कौन सा कारक विद्युत चुम्बक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। तो कौन प्रभावित करता है, देख सकते हैं कि कुंडली की लंबाई प्रभावित करती है, धारा की लंबाई या धारा की शक्ति या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। सभी बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, सिक्स का बी इज द राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, धारा की दिशा जो हमारा होता है ये क्या होता है, विद्युत चुम्बक की ध्रुवीयता को प्रवाहित करता है। कौन, धारा की दिशा, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा गया वेरी इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई यानी यूनिट क्या है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स की यूनिट का मान पूछा गया है, तो क्या होना चाहिए, दे सकते हैं चार ऑप्शन से देंगे आपको, इसमें से सही कमेंट करना है कौन सा होना चाहिए। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि सभी के एडमिट कार्ड अब लगभग आ चुके हैं, इसलिए आप अभी से पढ़ाई में लग जाइए। जितनी मैंने आपको क्लासेस करवा दी हैं, फर्स्ट ईयर की सारी क्लासेस मैंने करवा दी हैं, इम्प्लॉयबिलिटी भी लगभग पूरी होने वाली है, फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन पूरा होने वाला है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा काम, इसलिए अच्छे से पढ़िए और अच्छे से सी वीडियो एग्जाम को क्लियर करिए। बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, 7 का सी इज राइट आंसर होगा, यानी एम्पियर टर्न्स का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन में दिया गया यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रेरकत्व का वैल्यू पूछा गया है, कौन सा फार्मूला हुआ आपके सामने दिए गए, चार फार्मूला दिए गए, फर्स्ट ए बी सी और डी, इसमें से आपको बताना सही कौन सा होना चाहिए। तो सभी सभी कमेंट करके बता सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं काफ़ी पढ़ाई कर चुके होंगे, तो आप जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, जो LT जो होता है L1 प्लस L2 और L3 जो प्लस होगा, ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है यहाँ पर 9 नंबर दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया परमियंस की इकाई क्या है, यानी परमियंस जो होता है इसकी यूनिट क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। देख सकते हैं चार यूनिट्स दी गई, आपको इसमें से कमेंट करना वो सही यूनिट कौन सी होगी जो परमियंस के लिए, तो और ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, 9 का बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, यहाँ पर वेबर पर एम्पियर टर्न्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ चुका है 10 नंबर, इसमें दिया गया परिनाले का कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो कौन सा नियम लागू करेंगे, दे सकते हैं आपके सामने चार नियम दिए गए हैं, कि कॉर्क स्क्रू नियम दिया गया, दाहिने हाथ के हथेली का नियम दिया गया है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिया गया, और ऑप्शन डी हमारा दिया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दिया गया। इसमें से सही आपको डायरेक्शन के लिए कौन सा नियम लागू होगा ये आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट करें, और एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा 10 का बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, दाहिने हाथ की हथेली का नियम जो क्या होता है, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए हम दाहिने हाथ की हथेली का नियम का यूज़ करते हैं, अच्छे से याद कर लेना, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क्लीट वायरिंग, कॉपर या बिस्मित या ग्रेफाइट, इसमें से सही कौन सा ये आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी तांबा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है अच्छे से याद कर लें, तांबा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है, समान शब्द का नाम पूछा गया है जो होता है
टी वी टी दिया गया, परमीमेंस दिया गया, रिलेक्टेंस दिया गया या परमीएबिलिटी दिया गया, तो इसमें से सही कौन सा ये आपको बताना है। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर उनका होगा, यानी परमियंस इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, क्वेश्चन में दिया गया रिलेक्टेंस की इकाई क्या है, ये भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है जो रिलेक्टेंस होता है उसकी यूनिट के बारे में, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस, यूनिट पूछे क्या है। देख सकते हैं चार ऑप्शन से देंगे आपको, सही यूनिट कमेंट करके बतानी है। तो जल्दी से बताएं सभी साथी, वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको समय दिया जाता है इसलिए आप कमेंट तो करें कि आपका क्या आंसर होगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में भी तो सही करके आएंगे, अभी गलत कर देंगे तो दिक्कत नहीं होगी, अभी सही भी कर सकते हो लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 16 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा एम्पियर टर्न्स पर वेबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, क्वेश्चन को दिए, क्वेश्चन में दिया गया है यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति क्या है, मतलब सही फार्मूला पूछा गया है, इसमें से कौन सा अभिव्यक्ति जो है सही होना चाहिए। चार ऑप्शन में से सभी बताएंगे, अभी मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरह का मैंने क्वेश्चन समझाया था, वहाँ पर आया भी था, तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे सी बराबर क्यू अपॉन वी राइट आंसर होगा, मेरा भी प्रीवियस क्वेश्चन था इस तरह का, मैंने आपको वहाँ पर बताया था, वहाँ पर आपको कैपेसिटेंस निकालना था, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इज़ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि आप एक विद्युत चुम्बक की खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कैसे बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे चार ऑप्शन दिए गए, आप इनको अच्छे से पढ़ के हमें बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तो जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का था, और मैंने आपको चार टेस्ट करवा दिए हैं, और इसके पहले की अगर वीडियो फर्स्ट ईयर की जितने भी इलेक्ट्रिशियन वालों ने नहीं देखी है उनको विधिवत तरीके से अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा नियमित पैटर्न से, इसलिए आप इन क्लासेस को बार बार रिविज़न अभी कर लीजिए, अभी आपके पास काफ़ी समय है, 8-10 दिन का टाइम आराम से इसको निपटा सकते हैं आप। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।